गाइस वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अपने दोबारा से मॉडिफिकेशन सेगमेंट के ऊपर ही, और हम दोबारा से अपनी बलिनों के अंदर कुछ छोटी मोटी चीजें और मॉडिफाई करवा रहे हैं। तो भाई मैं जो करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ अपना ब्लाइंड स्पॉट मिरर इंस्टॉल। कुछ भाइयों को पता होगा कि भाई ब्लाइंड स्पॉट मिरर क्या होता है और कुछ भाइयों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता भाई उनके लिए गाइड कर देता हूँ। एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो होता है अपना, जो रियर व्यू मिरर होते हैं भाई, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मिरर लगते हैं, जैसे आपको पीछे का जो एंगल है वो वाइड हो जाता है और आपको पार्किंग में भी काफी हेल्पफुल मिलते हैं। तो गाइस ब्लाइंड स्पॉट मिरर में भी अपने तीन चार डिजाइन आते हैं, तो जो डिजाइन मैं लगवा रहा हूँ, मैं वो लगवा रहा हूँ बेसिकली गाइस लुक के लिए, बट उसका अपना डबल इफेक्ट आ जाएगा। पहला तो अपनी भाई लुक तो आई जाएगी, सेकेंडली आपका जो पीछे का व्यू है वो भी बढ़ जाएगा। तो जितने भी डिजाइन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, क्या प्राइसिंग रहती है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइज आप देख लो, अपने ये सारे डिजाइन अवेलेबल हैं अपने जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर के लिए हैं। तो आप सारे एक बार डिजाइन देख लो। तो भैया सबसे पहले एक बात बताओ, ये लगते कहाँ पर है? इस साइड मिरर के ऊपर चिपकते हैं। तो ये किसी भी कार पे लग जाएंगे या किसी स्पेसिफिक कार? किसी भी कार पे। किसी भी कार पे। और इनके भैया बेसिकली फायदे क्या होते हैं अपने? ये पीछे का व्यू ज्यादा बढ़ जाता है इससे, और ये जैसे इसमें है, इसमें पीछे का व्यू बढ़ाने के लिए ये, और ये पार्किंग के लिए। तो गाइस जो हमने फाइनल करे हैं वो हमने यही वाले करे हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था मैंने लुक के लिए करवाए हैं। तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका लेफ्ट और ये राइट, और जो बाकी ये सारे मिरर्स इसके अंदर पेयर अपना ऑलरेडी आता है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बट जो वाले मिरर्स के ये बड़े वाले मिरर होते हैं, और इसमें डबल इफेक्ट है अपना, इसके अंदर आपका व्यू पीछे का बढ़ जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट पार्किंग और मिरर तो का लिखा हुआ है, और साथ के साथ अपने जो पीछे का ये पार्किंग वाला उसके लिए होता है। तो ये सारे डिजाइन आप देख लो, उसमें और भी डिजाइन आते हैं। एक है ना भैया सर्कुलर वाला भी आता है डिजाइन, सिंपल आता है वो भी। तो भाई हमने जो फाइनल करे हम यही वाले कर रहे हैं। तो भैया साथ के साथ एक बार प्राइसिंग भी क्लियर करते रहो, ये वाला कितने का है? ये 350 रुपए का है। ये वाला भैया सेम है? ये सेम है गाइस, ये सारे 350 रुपए के हैं। और भैया ये वाला, ये पेयर मिलेगा 800 रुपए का पेयर है। तो गाइस ये 800 रुपए का पेयर है, मैंने ऑनलाइन चेक करा था, ऑनलाइन कुछ 1000-1200 रुपए का आ रहा था। तो शॉप पे मैं इसलिए आया था क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे 200-300 रुपए का फायदा हो रहा था। तो आप देख लो 800 रुपए के हैं ये, और भैया एक बार ये खोल दो इन्हें, तो भैया एक बार इन्हें खोल के भी दिखा देता हूँ, और यही वाले हम इंस्टॉल करवाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन वो खड़ी अपनी गाड़ी, ये देख लो, इसके बाद आपको पूरी इसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। तो गाइस ये देख लो मिरर, और क्वालिटी काफी ठीक है, और ये ब्लैक कलर के अंदर शाइनिंग में। भैया इसमें कलर भी अवेलेबल होते हैं? कलर व्हाइट ही मिलता है। व्हाइट भी, व्हाइट और ब्लैक दो कलर। तो भाई व्हाइट और ब्लैक कलर आते हैं, बाकी अगर आप कुछ कलर कराना तो आप इसमें पेंट भी करा सकते हो, बट इसका कोई नीड नहीं है। और गाइस ये देखो, ये अपना नीचे क्लैंप दिख रहे होंगे आपको, क्लैंप भी है इसमें, डबल टेप भी लगी हुई है अपना क्लैंप, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हो आप। तो गाइस बिल्कुल जो अपने मिरर्स होते हैं बिल्कुल उस टाइप के मिरर है, सारा एडजस्टेबल है, और अपने क्लैंप से फिट करके टेप से हम लगवा देंगे। तो ये सारा कुछ मैंने आपको मिरर का दिखा दिया है, और अब चलते हैं सीधा इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो गाइज हम आ गए हैं अपनी कार के पास, और एक नया स्टिकर लगवाया था, बिल्ड नॉट बॉट, बताना कमेंट करें कैसा लग रहा है। तो भाई ये अनलॉक कर दिए अपने और मिरर्स खुल गए। तो भाई जो ये आपको दिख रहे होंगे अपने ब्लू कलर के, और मिरर्स ब्लैक हैं, तो मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में मिरर्स को ब्लैक करवा लूँ। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि यार करवाऊँ ना करवाऊँ। संदीप भाई सेंटर सेट कर देना बिल्कुल, तो कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल सेंटर में लगवाएंगे, बिल्कुल बढ़िया सेट करवा के। और भाई ये प्राइमर लगा रहा है ताकि जो इसकी चिपक है अच्छी तरह बनी रहे, और कोई हमारे भाई उतारने की कोशिश ना करे इसे। बाकी इसमें भाई देखो 3M की टेप भी होती है, देखो ये 3M की टेप है, इससे भी चिपकाएंगे, और जो हुक है वो फंस जाएगा बिल्कुल अपना। भाई सेंटर जरूर लगा देना यार। सो गाइस ये अपने इंस्टॉल हो भी गए, आप देख लो कितना इजी है अपना यार, खुद जो खुद भी लगाना चाहे वो भी लगा सकता है, बिल्कुल अपने DIY है। अगर किसी को मंगा के अपना सिंपल इंस्टॉल करवाना है तो भाई वो भी हो सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपली सिंपल अपने इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं। और हेडलाइट्स अपनी बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। इस साइड भाई प्राइमर लगा दिया, तो कमेंट करिए यार बताना जरूर कि मिरर्स ब्लैक कराऊं ना कराऊं, क्योंकि और कोई कलर मुझे रूफ और मिरर्स के लिए समझ नहीं आ रहा है। भाई एक बार क्लैंप दिखा देता हूँ कैसे फंसते, भाई दिखाना, देखो ये इसके क्लैंप है, और ये इसके अंदर मिरर के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएंगे, ये सेट होके अपना ये यहाँ लग गया। तो भाई एक बार लुक दिखा देता हूँ मैं, लुक देख लो कैसी आ रही है, और उस साइड से भी एक बार लुक दिखा देता हूँ, और एक बार इनका दिखाता हूँ कि जो एंगल आ रहा है, वाइड एंगल आ रहा है वो कैसे आ रहा है, अगर वो इधर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो भाई इसका देख लो अपने, देखो राइट वाले, देखो इस वाले में नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा, बट जो ये वाला पार्ट है इसमें पूरा नीचे का दिख रहा है, तो पार्किंग के लिए हमें काफी हेल्प होने वाली है इससे।
और एक बार आप इसके लुक चेकआउट कर लो और इसका सेट वेट कर दूंगा मैं, और पीछे से भी इसके मैं लुक दिखा देता हूँ। तो भाई कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा और मुझे करवाना था यार ये, तो आज ही हमने करा लिया। तो बस एक कमी जो है भाई वो है ब्लैक मिरर की, तो ये भी बहुत जल्द करवा लेंगे। भाई जब मैं कार के अंदर आ गया और एक बार आप व्यू देख लो अपना कितना वाइड व्यू हो गया है, अपने पार्किंग वगैरह के लिए भी एडजस्टेबल है। देखो जैसे ये वाला मिरर जो है पार्किंग के लिए, जैसे मैं नीचे और कर दूँ तो अपने पार्किंग के लिए कितना सही हो गया है। और देखो इस वाले मिरर में आपको इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा, पर जो पीछे वाले मिरर है कितना वाइड व्यू दिख रहा है आपको ये देखो। और इस साइड भी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, बिल्कुल वाइड व्यू दिख रहा है और सही हो गया। मतलब जिन भाइयों को पार्किंग वगैरह में दिक्कत आती है तो उनके लिए एक फिक्स है, उनके लिए एक सोल्यूशन है। और भाई ये देख सकते हो, और देखो इस साइड से भी एक बार दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी बात है भाई लुक बहुत ज़बरदस्त आ रही है। एक बार मिरर्स बंद कर देता हूँ और मिरर्स बंद करके आपको लुक दिखा देता हूँ। और देखो, और लुक के साथ साथ अपना वाइड एंगल कितना बढ़ गया है। सो गाइस एक बार बाहर से भी लुक दिखा देता हूँ, और देखो एक इतने सही लग रहे हैं। और एक बार कार अनलॉक कर देता हूँ तो मिरर्स अपने भाई खोल गए तो ईजिली वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट ही है। और एक बार देख लो आप, और मिरर्स ब्लैक ज़रूर करवाएंगे। एक बार सामने से भी दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम्ड व्यू दिखाऊं तो भाई मतलब बैक से व्यू दिखाऊं तो आप देख लो। एक भी मिरर्स बंद कर दिया मैंने तो लुक काफ़ी बढ़िया आ रहा है यार इसका, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। और आप लोग भी एक बार बताना कैसा लग रहा है, और ओवरऑल कार की लुक देखो। और एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको इसके सिनेमैटिक शॉट। And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. गाइस आप लोगों ने पूरी उसकी इंस्टॉलेशन और कौन कौन से ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो आते हैं वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और आप लोग पूछोगे भाई मैंने कौन से शॉप से परचेज करे हैं, तो मैंने अरिंद भैया के पास आके परचेज करे। अरिंद भैया एक बार अपनी दुकान का एड्रेस बता दो। रोहिणी सेक्टर 3 नाहरपुर कार मार्केट, स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने। भाई स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने जो अपनी M2 के रोहिणी वाली रोड है, उस रोड पे आप आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में येलो कलर का बोर्ड दिख जाएगा जैन कार एसेसरीज के नाम से, वही भैया की शॉप है। और भाई ऑनलाइन महंगा मिल रहा था इसलिए भैया के पास आके लिया था। तो 800 रुपये का ही ना, हाँ जी 800 रुपये की कॉस्टिंग है भाई, 800 रुपये का ही परचेज करा है मैंने। और मिरर्स अभी ब्लैक करवा ही देंगे। और कमेंट करके बताना कि लुक कैसी आ रही है, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। भाई मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए कैसे लग रहे हैं। लुक बड़ी प्यारी आ रही है, लुक अच्छी आ रही है भाई। लुक के लिए ही स्टार्टिंग में बताया था, लुक के लिए ही काम करवाया था, पर भाई अपने ट्विन इफेक्ट आ गया इसके, अपना पीछे का व्यू भी बढ़ गया और पार्किंग में भी अपनी आसानी हो गई। भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट हो तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जेजे ऑटोमिल ब्लॉग्स, तो चैनल का नाम है, वहीं जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और आप अपडेटेड भी रहोगे कि कब नई वीडियो आ रही है। थैंक यू गाइज़।